हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज मैं उड़द दाल की पकौड़ी बनाऊंगी। ये पहाड़ों में खूब खाए जाते हैं पकौड़े, किसी त्यौहार पे कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है तो ये ज़रूर बनते हैं। और इस दाल की खिचड़ी भी बनती है। इसके लिए मैंने 2 लहसुन के टुकड़े ले लिए हैं, बड़े बड़े इतने, और 8 छोटी मिर्चें ले ली हैं हरी वाली, 1 चम्मच लाल मिर्च है, और 1.5 चम्मच नमक है, 1 छोटा चम्मच ही हल्दी पाउडर है। ये मैंने आधी किलो दाल ले ली है। आप जितने पकोड़े बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से दाल ले सकते हैं। और ये दाल मैंने, जैसे हम सुबह ही इन्हें बनाएंगे तो रात को भिगो लेंगे, अगर रात को शाम में बनाएंगे तो सुबह भिगो लेंगे, ऐसे करके इनके हमने ऐसे मसल मसल के अच्छी तरह इसके छिलके उतार लेने, आराम से उतर जाएंगे ये। आप इसे हरी मूंग की दाल से भी बना सकते हैं, छिलके वाली से। तो मैं इन्हें मसल लेती हूँ पहले और धो के साफ़ कर लेती हूँ, फिर इन्हें हमें मोटा मोटा पीसना है थोड़ा, चाहे तो मिक्सी में पीस लीजिए चाहे सिल पे पीस लीजिए। इन्हें पहले हम साफ़ कर लेते हैं। मैंने ये दाल के छिलके अलग कर लिए हैं, और इसमें कोई छिलके रह जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर आप कहेंगे कि ये वाली दाल हम धुली हुई ले सकते हैं, तो जो इस दाल में स्वाद आता है छिलके वाली में ऐसे करके, वो उसमें नहीं आएगा। वो तो डोसे वगैरह के लिए या बड़ा बनाना हो उसके लिए होती हैं। इस दाल से ही बनाने चाहिए पकोड़े। अब इसी दाल में मैं ये मिर्च और अदरक को इकट्ठा ही डाल के पीस लेंगे हम, बाद में मसाले मिला लेंगे। मैंने दाल को पीस लिया है, और इसमें पानी डाल के नहीं पीसना है हमें। अगर आपको लगता है पीस नहीं पा रही है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, और इसे 5 मिनट के लिए हम फेंटेंगे। मसाला भी डाल लेते हैं। आप इसमें हींग और जीरा डाल सकते हो, उससे भी अच्छा स्वाद आएगा। थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह फेंट के। इसको मैंने 5 मिनट फेंट लिया है, और ये मेरा थोड़ा घोल पतला ही हो गया है, अभी मैंने पानी नहीं डाला था इसमें, फिर भी पतला हो गया है। तेल को तेज गरम कर लेना है। आप सरसों के तेल में बनाओ या ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। इसमें एकदम तेज गरम होना चाहिए। इन्हें पलट लेते हैं, एक तरफ से सिक गए। ये वाले उड़द की दाल के पकोड़े हो गए फ्राई, इन्हें निकाल लेते हैं हम। साइज आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं इन्हें। इसी तरह से आप जो मूंग धुली दाल होती है उसके भी बना सकते हो, मंगौड़ी जिन्हें बोलते हैं। उड़द दाल की पकौड़ियां बन गई हैं। मैंने उड़द की दाल की खिचड़ी भी बना ली है। ये मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल के उबाल ली थी, और जीरे का छौंक लगा लिया है। आप इसे प्याज टमाटर से भी छौंक सकते हो।